सीएबी जब सीडब्ल्यूए हो चुका है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप इस कानून को काला कानून करार देते नहीं देते? हाथ उठाकर पैगाम दीजिए मोदी को, यह कानून हमको कबूल नहीं है, जो तुमको पुकार कर कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर हमको मत बांटो, मोहम्मद अली जिन्ना को दोबारा जिंदा मत करो, ये गांधी और अंबेडकर का मुल्क है, इसको गांधी और अंबेडकर का मुल्क पर करार रखो, ये मुल्क सावरकर का मुल्क नहीं बनेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क मुल्का परस्ती का मुल्क नहीं बन सकता, ये मुल्क हमेशा से तमाम मजाहिब का खार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम आपको देना बहुत जरूरी है, ये शहरियत तरमीमी बिल और फिर उस पर बड़ी बड़ी बातें कि मुल्क का बंटवारा विभाजन मजहब के नाम पर हुआ, तो फिर कश्मीर कैसे आया हिंदुस्तान, कश्मीर कैसे आया हिंदुस्तान को, कश्मीर पर मुस्लिम अक्सरियत जा सकती, इसलिए आया क्योंकि वो हिंदुस्तान पर भरोसा करते थे, पाकिस्तान पर नहीं करते, इसलिए आया ना, तुमने कश्मीर से 370 को बर्खास्त कर दिया, खुसूसी मौत को बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दे, क्यों निकाला कश्मीर से तुमने स्पेशल प्रोविजन, नॉर्थ ईस्ट में दे रहे, और कल आसाम में मालूम हुआ मासूम 17 साल के बच्चे के चेहरे पर गोली गोली, उसका पूरा चेहरा बर्बाद हो, उसकी जान चले गई, हिंदुस्तान के वजीर आजम आपकी सरकार जिम्मेदार है उस बच्चे की जान के लिए, 17 साल का बच्चा मर गया, उसकी मां अपने बेटे से महरूम होती है, ये आपकी बीजेपी की सरकार, जापान का वजीर आजम आसाम को आ रहा था, इनकी प्लानिंग देखिए, इनकी सोच देखिए, कितनी नाकारा और मुखन्निस लोग हैं, कि जापान का वजीर आजम आ रहा है और लोकसभा में राज्यसभा में कानून को पास करते हैं, आसाम में गड़बड़ है, लाइन ऑर्डर का मसला है, वजीर आजम जापान का दौरा मुल्तवी हो जाता है, वजीर आजम का आसाम का दौरा मुल्तवी हो, हर बैन अल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है, मगर मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये बीजेपी की हुकूमत मजहब के नाम पर बांट रही है, मजहब के नाम पर मुल्क को चलाना चाहती है, जब हमारे बुजुर्गों ने संविधान बनाया तो उसमें ये कहा नहीं कहा गया था कि मजहब की बुनियाद को सहजे नहीं चाहिए, आपको पाकिस्तान से अगर हमारे हिंदू भाइयों को बुलाना है बुलाओ, अफगानिस्तान से बुलाना है बुलाओ, बांग्लादेश से बुलाना है बुलाओ, मगर मेरा सवाल यह है, इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, क्यों इतनी नफरत है बताओ, आखिर क्यों लफ्ज मुसलमान और इस्लाम के नाम से इनके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, ये कानून हमारे संविधान की फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर 3 के खिलाफ है, ये कानून हमारे हिंदुस्तान की शरीयत के प्रिंसिपल के खिलाफ है, कि मुल्क में एक कानून होगा और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा कानून होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको इस कानून की मजम्मत करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी से पूछना है आप लोगों को, जब 16 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, यही शिवसेना जिसके साथ कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, वो शिवसेना ने इस कानून पर बीजेपी का साथ दिया, कहां ये सेक्युलरिज्म, किसको धोखा दे रही है कांग्रेस पार्टी बताइए आप, और यहां से तो माशाल्लाह जो जीएमएम के उम्मीदवार है वो तो गुलाटी मास्टर है, हर इलेक्शन में किसी और पार्टी को पकड़ लेते हैं,
कांग्रेस में थे, जीएमएम में आगे नहीं मालूम कितने कितने बार कौन कौन सी पार्टी में जाए, ये कौन सा काम कर। और हमको बी टीम कहते हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन याद रखो तुम नहीं जानते मुझको, दौलत मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई माने नहीं रखती, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सलाहियत दी बोलने की, अगर तुमको सीखना है बोलना तो मेरी तकरीर सुन लो बोलना। मजलिस हैदराबाद वो पहले क्या कितना, मैं अगर हैदराबाद से आ रहा हूँ यहाँ पर कांडे में तो बताओ क्या चीज मुझे खींच कर आ रही है। हाँ मैं तुमको बताना चाहूंगा कि हाँ एक दौलत के लिए आया हूँ, वो दौलत जो तुम्हारे को मैसर नहीं हो सकती, वो दौलत है वो जो कलमे का रिश्ता वो दौलत है। और सुनो हेमंत सोरेन, मैं उस नबी का उम्मती हूं जिन्होंने हमको बताया था कि हक की सरबुलंदी के लिए और हक की कामयाबी के लिए बातिल ताकतें तुमको जमीन और आसमान चांद और सूरज दुनिया की दौलत तुम्हारे सामने ला कर रखेंगी, तब तब भी तुम उसको नहीं मानना, तुम हक के लिए काम करना। हाँ गरीब की मोहब्बत मुझे अपना गुलाम बना सकती है, मैं ताकतवर ताकत और ताकत की कुर्सियों पर बैठने वालों से मरूम होने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है याद रखो, इख्तदार से मुझे मतलब ना था न कभी रहेगा। अरे ये तो बताओ कि झारखंड में 14% मुस्लिम अकलियत है, कितने मेले जीत के आते झारखंड से, दो जीत कर आते, 14.5% है आबादी और दो जीत कर आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जमहूरियत फिराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है, और फिराकतदारी की जमहूरियत में सिर्फ दो एमएलए, और वो दो एमएलए भी कैसे, मजलिस क्या कह रही है कि इंतखाब को कामयाब करो, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो, अपनी लीडरशिप को बनाओ, वो जो दो एमएलए जीत कराते हैं वो बेनाही की लीडरशिप है, ये तुम्हारे नाम पर लीडरशिप है, ये बेनाही की लीडरशिप कब तक चलेगी, 60-70 साल गुजर चुके हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये 5 साल में कितने बाबरी सिंह के वाकया, अगर अल्लाह अली मुद्दीन अंसारी की रूह को इजाजत देगा तो अली मुद्दीन अंसारी की रूह गाने की आवाज से पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझको बेसरो सामानी के आलम में मारा और पीटा गया है। आज वो अली मुद्दीन अंसारी की रूह तुमसे कह रही है कि क्या इसी तरह हमको मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों मेरी माँ और बहनों, आप बताइए कितने बाबरी सिंह के वाकयात, अली मुद्दीन अंसारी के कातिलों को कोर्ट ने कातिल करार दिया, तो बीजेपी के मरकजी वजीर जयंत सिन्हा साहब ने उनका इस्तकबाल फूल का माला से किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है डर खौफ का, कि डर खौफ के माहौल को तोड़ना है तो इस डर खौफ के माहौल में झारखंड जीएमएम और कांग्रेस आकर के लिए कि हमारा साथ दे दो। मैं आपसे ही अपील कर रहा हूं कि वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर याद रखो तुम डर कर अपने वोट का इस्तेमाल मत करो, तुम मजबूरी की हालत में अपने वोट का इस्तेमाल मत करो, तुम बीजेपी के डर से आरएसएस के डर से अपने वोट का इस्तेमाल मत करो, तुम जेएमएम कांग्रेस को मजबूरी की हालत में वोट मत दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उम्मीद के साथ और पूरी ताकत के साथ
आप मजलिस को और दो इंसान ना डर की बुनियाद पर, ना मजबूरी की बुनियाद पर, बल्कि एक नई उम्मीद की बुनियाद पर, एक नए हमारे मसाइल को हल करने की बुनियाद पर अपनी लीडरशिप को पैदा करें। मैंने पहले भी कहा।